तो पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जमकर उत्साह है। लोग अपने अपने तरीकों से भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं। इस बीच भिंड के अमित कुमार मिश्रा इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि अमित कुमार मिश्रा ने चॉकलेट से कुछ ऐसा किया है जो वाकई हैरान करने वाला है। पेशे से शेफ अमित कुमार मिश्रा ने 40 किलो चॉकलेट से राम मंदिर की तरह दिखने वाला मंदिर बनाया है, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। चॉकलेट के जरिए मंदिर बनाने में शेफ को 6 दिन लगे। हम लोगों ने यहाँ पर राम मंदिर का एक चॉकलेट का डिस्प्ले बनाया है जो कि 40 किलो का है। इसमें बनाने के लिए हमारा जो जनरल मैनेजर है मिस्टर रोहित बाजपेयी और हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ मिस्टर करमचंद डोगरा, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। और फिर हमने जब इसको बनाया है, 4 दिन इसको बनाने में लगे हैं और डेली के 6 घंटे हम इसमें इन्वेस्ट करते थे। अपने मैं मेरी पूरी टीम, 8 लोगों की जो मेरी टीम है, हम सबने इसको मिलकर बनाया है। और इसमें जितने भी हमारे यहाँ जो ट्रेनीज हैं उनकी भी हमने हेल्प ली है कि उनके पास भी आइडियाज हैं, तो हमने सबके आइडिया शेयर करके एक राम मंदिर में जोड़ के उसको हूबहू बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आप ये डिस्प्ले हमारे होटल ग्रैंड पैलेस आइडन इंदौर में लॉबी में लगा हुआ है, आप आके देख सकते हैं।